थाना डही के ग्राम पिपलूद में जमीन के हिस्से को लेकर एक पुत्र द्वारा अपने पिता की लोहे के फावड़े से हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी कलाबाई ने थाने आकर सूचना दी कि शाम करीब 5:30 बजे वह अपने घर के ओटले पर बैठी थी। पास में ही उसके दादा बठा पिता कोटवाल भिलाला उम्र 65 साल पलंग पर लेटे थे। तभी पास में रहने वाला बठा का पुत्र डोंगर सिंह हाथ में फावड़ा लेकर आया और पिता बठा को बोला कि मैं कब से जमीन का हिस्सा मांग रहा हूँ, लेकिन तू दे नहीं रहा है। और हाथ में लिए फावड़े से बठा के माथे मुंह पर 3 प्राणघातक वार किए, जिससे मौके पर ही बठा की मृत्यु हो गई। डही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। सर, ग्राम पिपलूद में हत्या हुई, इसका क्या घटनाक्रम था? सर, ये दिनांक 20/5/23 को फरियादिया कलाबाई ने थाने पर आकर सूचना दी कि शाम करीब 5:30 बजे उसके दादा बठा पिता कोटवाल जाति भिलाला उम्र 65 साल घर के पोटले पर खटिया पर लेटे थे। तभी मृतक बठा का लड़का डोंगर सिंह, जो घर के पास में ही रहता था, उसका अपने पिताजी से जमीन के हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर डोंगर सिंह अपने घर से लोहे का फावड़ा लेकर आया और मृतक बठा को माथे पर, मुंह पर और कान के पास 3 प्राणघातक हमले किए उसके द्वारा। मौके पर ही डोंगर सिंह की मृत्यु हो गई और आरोपी डोंगर सिंह फावड़ा लेकर फरार हो गया था। फरियादिया की रिपोर्ट पर से पुलिस ने धारा 302 IPC में डोंगर सिंह के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया और चंद घंटों में ही आरोपी डोंगर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोंगर सिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि जिस फावड़े से उसके द्वारा हत्या की गई थी, वो फावड़ा गांव के तालाब के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। विधिवत फावड़ा भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। सर, आपका नाम? प्रकाश सरोदे, थाना डही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।